और अब एक वीडियो, बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में कथित तौर पर देश विरोधी गाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा क्या किया जा रहा है कि यह वीडियो ईद के दौरान एक पार्टी, एक डीजे पार्टी का है, जिसमें आतंकियों का गुणगान करने वाला गाना चलाया जा रहा है। गीत के बोल आपको सुनाई दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं, देश धरती के रखवाले, जान की बाजी खेल के तुमको काट कर रख देंगे। इस तरह के गीत आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में बजाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या यहां पर ये वीडियो चलाया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि अररिया में आरजेडी की जीत के बाद एक वीडियो आया था जिसमें कुछ युवा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए रहे थे और बाद में जांच में पाया गया था कि वो वीडियो फर्जी था, छेड़छाड़ की गई थी। अब एक और वीडियो आपके सामने वायरल किया जा रहा है, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या इस तरह का भड़काऊ गाना बजाया गया या कहीं इसमें छेड़छाड़ तो नहीं है। तो ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है और ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब हम कह रहे हैं वायरल किया जा रहा है तो व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया जा रहा है, लिहाजा बहुत जरूरी है कि इसकी विश्वसनीयता को परखा जाए। बहुत जरूरी कि इसकी विश्वसनीयता को परखा जाए, क्योंकि बहुत ही भड़काऊ शब्द हैं। अगर यह हकीकत है तो बहुत चिंता की बात है। आपके सामने ईद की एक पार्टी जिसमें डीजे पार्टी में यह गाना कथित तौर पर बजाया जा रहा था। अब हमें देखना है कि इसमें कितनी हकीकत है। एबीपी न्यूज संवाददाता रंजन सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वीडियो हमारे सामने मगर हमारे साथ अररिया वाला तजुर्बा भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वीडियो वायरल कहां हो रहा है और क्या इसकी विश्वसनीयता की पुख्ता हो चुका है कि ये सही है गलत है, क्या खबर है आपके पास? जी, अभी तो इसकी जांच जो है, इस वीडियो की जो वायरल हुई है वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए बाहर आई है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता को जांच के लिए स्थानीय पुलिस और खुद एसपी रोहतास से इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि मामला अररिया से संबंधित नहीं, नासरीगंज से संबंधित है। तो रोहतास में ये जो बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, जो भी वीडियो में सवाल, जो भी गाने बज रहे, जो भी गाने के बोल है, हम पाकिस्तान मुजाहिदीन है, ये तो साफ तौर पे है कि ये देश के विरोध ये गाना बजाया जा रहा है। लेकिन और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें चिन्हित करके दो लोगों को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं अनुसार ये तो बात साफ है कि मतलब इसकी पुष्टि हो चुकी है और इसकी अभी जांच चल रही है, पुष्टि होने के बाद ही गिरफ्तारी। चूंकि एसपी, मैंने आपसे सवाल रंजन इसलिए किया ये क्योंकि गिरफ्तारी आपको याद होगा अररिया वाले वीडियो में भी हुई थी, जब अररिया में आरजेडी की जीत के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और फिर हकीकत आपके सामने है। लिहाजा इस तरह के वीडियोस जो व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो रहे हैं उससे अक्सर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाना जरूरी है। क्या कह रहा है प्रशासन इस पर, कैसी जांच हो रही है, किस तरह से इसे किया जा रहा है रंजन? जी, अभी इसको स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है। जांच करने के बाद रोहतास पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाकी 20 लोग जो भी जिनका नाम इस मामले में दर्ज किया गया उनके कार्रवाई होगी। फिलहाल इस वीडियो की पूरी सत्यता के साथ जांच की जा रही है। जी अभिषेक, शुक्रिया राजन। वाकई चिंता करने वाली बात है, अगर ये वीडियो एक हकीकत है तो, अगर हकीकत है तो, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए बहुत कुछ कहा जाता है, हर चीज पे यकीन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।